नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। गंगा प्राइम की शुरुआत करने से पहले टॉप 10 खबरें आपको दिखाते हैं। जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री की सभी से अपील, कोरोना के खिलाफ जंग को बनाए सफल, देशव्यापी अभियान का हिस्सा बने लोग। शाम 5 बजे गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में बजाएंगे घंटी, कोरोना के इंतजामों पर बोल चुके हैं योगी, नहीं होगी महामारी में रहने खाने की कोई दिक्कत। कोरोना पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है यूपी सरकार, मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ में बना विशेष कंट्रोल रूम, 3 दिन तक यूपी के सभी स्लॉटर हाउसेस बंद करने के आदेश। अयोध्या में 2 अप्रैल तक बाहरी लोगों के आने पर लगी रोक, कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, सरयू नदी में सामूहिक स्नान पर भी रोक। कोरोना के मरीजों की मदद के लिए नोएडा में रोबोट लॉन्च, संक्रमित मरीजों की मदद के लिए हो रहा है रोबोट का ट्रायल, ट्रायल के बाद यूपी सरकार को सौंपने की तैयारी। सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ केस हुआ दर्ज, लखनऊ प्रशासन ने सरोजनी नगर थाने में दर्ज करवाया मुकदमा, लोगों की जान जोखिम में डालने पर हुई है एफआईआर। महामारी के बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बीमारी, एबीपी गंगा पर खबर दिखाने के बाद लिया यू टर्न। मुरादाबाद में कोरोना का साइड इफेक्ट, शादी रद्द होने के सदमे से लड़की की मां की मौत, सभी मैरिज होम बंद होने के आदेश के चलते रद्द हुई थी शादी। प्रयागराज में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में महिलाओं ने किया जमकर हंगामा, मंसूर पार्क में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए गई थी प्रशासन की टीम। और उन्नाव में दबंगों ने की बेरहमी से युवक की पिटाई, लाठी डंडों से जमकर पीटा, तमाशबीन बनकर देखते रहे लोग।